अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अनवर सोनू व्लॉग्स। और सबको गुड मॉर्निंग। और हमने चाय पी लिए है और आज का व्लॉग है कुकिंग व्लॉग। कुकिंग व्लॉग में मैं करने वाली हूँ मेरी मॉम्स रेसिपी ट्राई। मेरी मॉम की रेसिपी है और मॉम्स लोग तो जो भी बनाते हैं सबको अच्छा लगता है, सबको पसंद आता है। इंशाल्लाह आप लोग को भी पसंद आएगा अगर आप लोग ट्राई करोगे। तो ये डिश का नाम है मटन स्टू। मटन स्टू बहुत कम इंग्रेडिएंट्स और खड़े मसाले में बनता है। इसमें सबसे ज़्यादा ऑनियन ही लगता है। और आपको मैं बताती हूँ आगे आगे, आप लोग देखो प्रिपरेशंस मैं कैसे करती हूँ, क्या करती हूँ, फिर आप लोग भी ट्राई करो। ये मैंने 7 से 8 कांदा लिया है जिसको मैंने बारीक चॉप किया है। और ये अदरक लहसुन जो मैंने इतना लिया था, और इन दोनों को भी मैंने बारीक चॉप किया है। ये 2 टमाटर है मीडियम साइज़। और ये 1 किलो मटन जो मैंने वॉश करके रख दी हूँ। और इसमें जाएगा ये 8 से 10 लाल मिर्च है जिसको मैंने कट करके रख दिया है। ये 1 टेबल स्पून भर के पेपरकॉर्न्स है, काली मिरी है, अक्की काली में साबित काली मिरी। और इसमें है 4 इलायची छोटी, 2 बड़ी इलायची, 6 लौंग, 1 बड़ा दालचीनी का टुकड़ा जिसको मैंने पीसेस कर दिया है, और 3 से 4 तेज़पत्ता। बस आप यही इंग्रेडिएंट्स है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स इसमें लगते हैं। उसी से हमको बनाना है मटन स्टू इन माय मॉम्स स्टाइल विथ माय मॉम्स रेसिपी। आप लोग देखो और नोट करो। इसमें मैंने लिया है 5 से 6 बड़े चम्मच ऑयल, क्योंकि इसमें ऑयल ज़्यादा लगेगा। ये डिश में पानी नहीं पड़ती है, जो भी मटन का पानी निकलेगा उसी में पूरी डिश बनेगी, इसलिए उसमें पानी नहीं डालूँगी। तो और ये थोड़ा सूखा भी बनता है, इसके लिए इसमें ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होगी। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले ये काली मिरी, तेज़पत्ता, और 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी का जिसको मैंने छोटे करके रख दिया है, और 6 लौंग। आप देख रहे हो गरम मसाला गरम हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन जो मैंने फाइन चॉप करके रखा है। और लहसुन डालते ही लहसुन की खुशबू बहुत अच्छी आती है ऑयल में। और ये अदरक, ये भी हम साथ में ही डाल देंगे, थोड़ा सा हिलाऊंगी। इसको ज़्यादा लाल भी नहीं करना है, तेल में इसका पूरा फ्लेवर और पूरी खुशबू आ जाती है, बस वही हमको करना है। और ये लाल मिर्च जो मैंने काट के रखी थी, ये 7 से 8 लाल मिर्च है, सूखी लाल मिर्च, ये भी डाल दूँगी। अब देखो सब खड़े मसाले, इसमें हमने पेस्ट भी कौन सा भी नहीं लिया है, ना पाउडर लिया है गरम मसालों का। हल्का पिंकिश होने तक हमको इसको भूनना है, और फिर मैं इसमें मटन ऐड करूंगी। देखो हल्का
पिंक कलर हुआ है, ब्राउन नहीं बोलेंगे, हल्का पिंक हुआ है, हमको इतना ही चाहिए कांदा। और इसमें मैं डालूंगी मटर। इसमें डालेंगे नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना चाहिए डाल सकते हो। इसमें अभी सब मसाले मैंने डाल दी हूँ, ऑलमोस्ट सब चले गया है। अब बचा है टमाटर, टमाटर चॉप करके रखी हूँ, वो भी अब मैं डाल दूंगी। पाँच से छः सीटी आने के बाद मैंने ओपन किया एंड द मटन इज रेडी। क्या खुशबू आई सोनू, ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, गोश्त भी गल गया है, सॉफ्ट हो चुका है। देखिए कलर भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आया है, खुशबू भी अच्छी आ रही है। अब मैं सर्व करती हूँ और अनु बताएंगे टेस्ट। बताओ टेस्ट करके कैसा बना। और ये ग्रेवी आप राइस के साथ भी खा सकते हो, पाव के साथ भी, रोटी के साथ भी, आपको हर किसी के साथ अच्छी लगती है। हम लोग ज़्यादा इसको पाव से खाते हैं, पाव से अच्छा लगता है। आओ खाना खाने। बिस्मिल्लाह करो। गोश्त गल गया है वो भी बता दो, नमक सब चीज बराबर एकदम परफेक्ट, अल्लाह इसी तेरे हाथ में बरकत है। आमीन। तो देखे आप सबने खाया अनवर खाना, खाए तेरे को अच्छा लगा? अच्छा ही लगा मेरे हाथ का, बट मेरी मम्मी की रेसिपी है तो और अच्छा ही लगेगा। मैंने ट्राई करी हूँ और अच्छा भी बना है, और अनु ने भी खाया, बच्चों ने भी खाया, उनको भी पसंद आया। तो अभी मैं ये ब्लॉग एंड करती हूँ। आप सबको जुम्मा मुबारक, और जुम्मा की नमाज में हम सबको याद करो, दुआ में याद रखो, और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करो एंड हिट द बेल आइकन। दुआ में याद रखो, अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।